हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद ममता में। फ्रेंड्स, दही भल्ले नॉर्थ की मोस्ट पॉपुलर डिश है। उड़द की दाल के दही भल्ले तो आपने खूब खाए होंगे, बट आज मैं आपके लिए ब्रेड दही भल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि झटपट बन जाते हैं और ये एक फायरलेस डिश है। उड़द की दाल के भल्ले बनाने में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और वो तलकर बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रेड दही भल्ले के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें हमने बिना तले ही बनाया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट दही बड़ा हम लेंगे 6 स्लाइसेस ब्रेड के, इनका ब्राउन पार्ट हमने ट्रिम कर दिया है, और ये 2 कप गाढ़ा दही है, इसको हमने सूप छन्नी से छाकर स्मूथ कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और ये 1 कप के करीब खीरा है जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसको हमें बारीक काटना है, कसना नहीं है, वरना ये पानी छोड़ देगा। और हाँ, काटने से पहले इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये कड़वा तो नहीं है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कुछ काजू के पीसेज हैं, इनको हमने काजू को लेकर उसके पीस कर लिए हैं। चिरौंजी है, किशमिश है, और ये थोड़ा सा ड्राई कोकोनट है जिसको हमने कस कर लिया है, और थोड़े से ये बड़ी इलायची के दाने हैं। और ये कुछ मसाले हैं, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। ये खीरा लेकर हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे, और इसको बस मिक्स कर लेंगे, और इसमें से इसमें थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड रख देंगे। ये एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और अब एक वेरेक्टर स्लाइस लेकर इसको इसका पानी इस तरह से स्क्वीज कर देंगे, और ये स्टफिंग इसमें फिल कर देंगे, और इसको इस तरह से रोल कर देंगे, इस तरह से रोल करके इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए भल्ले की शेप हो गई है। अब इसको एक साइड में रखते जाएंगे, इस तरह से ये दूसरा पीस भी बना लेंगे, इसमें भी स्टफिंग भर के, और इसको इस तरह से रोल कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें ये जो भी चीजें आप डालना चाहें डालें, वरना जो आपको पसंद ना हो वो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे रोल स्टफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक सर्विंग डिश में दही भल्ले रखकर अब हम इसके ऊपर ये दही डालेंगे, इस तरह से इस पर दही डालेंगे, दही से इसे पूरा कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, याद रखना है कि ये दही हमें सर्विंग के टाइम ही डालना है, वरना ये बड़े जो हैं वो दही पी जाएंगे। और बस अब इसके ऊपर हम मसाले गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और ये सब थोड़ा सा हरा धनिया इस पर गार्निश कर देंगे। मसालों से इसका स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ में देखने में भी ये बहुत आकर्षक लगते हैं। ये दही बड़े रेडी हैं, इसको हम इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, ब्रेड दही बड़े की ये आसान रेसिपी और ये फ्लेमलेस रेसिपी को आप जरूर फॉलो करें। पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।